नमस्कार, मैं निशांत वत्स, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। और अब वक्त हो गया है हरियाणा की पांच बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खुले दरबार में करनाल के घरौंडा के डीसीपी मनोज कुमार को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। उनके खिलाफ कई आरोप लगे थे, जिसके चलते उन्हें सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं। रिटायर्ड सूबेदार महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि डीसीपी मनोज कुमार के खिलाफ झूठे आरोप दर्ज किए गए हैं। और अगली खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, रोहतक में ठगों ने एक युवती और एक महिला के साथ ठगी को अंजाम दिया है। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन कोई भी आरोपी अभी तक हाथ नहीं लगा है। युवती व महिला से लाखों रुपए की ठगी की गई है। पुलिस रिकॉर्ड में यह दोनों मामले हाई वैल्यू में दर्ज हैं। दोनों केस साइबर क्राइम थाने में दर्ज किए गए हैं। और तीसरी खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, हरियाणा में मिशन 2024 को लेकर भाजपा रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसको लेकर आज हिसार के गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय में सभागार के प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। बैठक में 311 प्रदेश के मंडल अध्यक्ष, 22 जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, महामंत्री सहित करीब 400 पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। बैठक में मिशन 2024 के बारे में रणनीति पर मंथन हुआ। और अगली खबर के चलते हुए आपको बता दें, पहाड़ों पर हो रही तेज बरसात के चलते यमुना नदी फिर से उफान पर आ गई है। यमुना नदी में 11 बजे 2,23,500 क्यूसेक जल बहाव पहुंच गया है। 1,00,000 क्यूसेक से अधिक जल बहाव हो गया है। 72 घंटों में करीब पानी दिल्ली में पहुंच जाएगा। प्रशासन ने फिर से अलर्ट घोषित कर दिया है। और आखिरी खबर के चलते हुए आपको बता दें, हरियाणा के नारनौल में तेंदुए ने उत्पात मचाया हुआ था। तेंदुए के आतंक के कारण लोग काफी दहशत में थे। वहीं अब तेंदुए को आखिरकार काबू में कर लिया गया है। वन विभाग में वाइल्ड लाइफ की टीम ने नारनौल के एक गांव से तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया है। वन विभाग में वाइल्ड लाइफ की टीम तेंदुए को पिछले 7 दिन से काबू करने के प्रयास में थी। ऐसी और हरियाणा की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।